से या रसूल अल्लाह काम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर सहे मुश्किल गुसा के वास्ते, करबला हेरत सही दे करबला के वास्ते। कादरी कल कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इन वाह मलाइकत हुजु सल्लू अलैह नबी या अय्युहा लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا وسندنا وصفيقنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا وحولنا ومولانا محمد وعليه وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। الحمد لله نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم بعد توحید کے مت والو سمے رسالت کے پروانو غوث و خواجہ کے دیوانو اولیاء امت کے طلبگارو سروکار ملت کے جانبدارو और भाई कराम सदर कराम मेरे दोस्त बुजुर्ग मेरे उम्र साथियों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी कुरान पाक की अजीम शान तिलावत करने का सब हासिल किया और उसका माना और तर्जुमा बताने से पहले मदीना में आराम फरमाने वाले आका गिराने वाले आका, बेसारा को सहारा देने वाले आका, चांद के टुकड़े करने वाले आका, सूरज को पलटाने वाले आका, आदि आजम मोहसिन आजम फकरे आजम मोहसिन इंसानियत या नहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जुम के दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला सय्यदिना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल हजरत सय्यदना उस्मान गनी कि हमने करामते फजीलते बयान की और उन्हें बागियों ने शहीद कर दिया। आज इंशाअल्लाह मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा हैदरे करार का जिक्र होगा। इनकी करामत और कौन कौन जगह पर कुरान में मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र आया और इशारा हुआ, ये रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इन्होंने कुरान पाक की इन इन आयतों में इशारा किए कि यहाँ यहाँ मौला अली मुश्किल गुस्सा का जिक्र हुआ। तो मैं इंशाल्लाह वक्त रहा तो आयत की भी तिलावत करूंगा और वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह आयत नंबर कुरान में कौन के बारे पर इंशाल्लाह आयत नाजिल हुई मौला अली मुश्किल गुस्सा के इशारे दरमियान मैं करूंगा। लेकिन आओ आला हजरत अली मुबारक दीवा मेहमद दर्जा मेरे आका की बारगाह करम में ये अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह,
मेरी कस्में आलम से जुड़ाने वाले कौन सवार मेरे आका हाजिर और नाजिर है, मेरे आका जिंदा है, यही अकीदा रखो। और हमारे देखो हाजी अब्दुल्ला साहब किबला ने कल 106 रकाते हाजत अदा पेश किया कौन सवार। ये हम पैसे तो दे सकते हैं, ये आसान है, नियाज में तकसीम कर देना, ये आसान सबसे बड़ी बात है नमाज। और अल्लाह तबारक व तआला सजदे से कैसी मोहब्बत करते हैं, जब सजदे में जाता है अल्लाह करीब हो जाया करता है। हाँ, अरे फरिश्ता कोई रुकू में है, कोई कयाम में है, कोई सजदे में, लेकिन मुस्तफा के गुलाम को वो अदा मिली कि हर चीज अंदर है और अल्लाह इतना करीब हो जाता है जो सजदे में हो जाए। लेकिन आज ये कमी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद और कुनु मा सादिकीन सत्यों के साथ हो जाओ, नमाजी के साथ नहीं कहा, रोजादार के साथ नहीं कहा, आजी के साथ नहीं कहा, कुरान की तिलावत करने वालों के साथ नहीं कहा, सत्यों के साथ। अब सवाल ये कि सत्य है कौन, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मिनन नबीना والصديقين والصهداء والصالحين कहो सुभान अल्लाह। ये चार जमात जिसके अल्लाह का इनाम और इनाम है, नबीन की जमात, सिद्दीकीन की जमात, सहदा की जमात और सालहीन की जमात। अब मौला अली मुश्किल कुशा हजर करार का जिक्र करें, पहली हदीस सुनो इब्ने माजा अगर सही किसके रावी है قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم आका ने इरशाद फरमाया मैं जिसका वली अली उसका वली। कहो सुभान अल्लाह। वली का माना करीब होना, वली का माना मददगार। अब ये मैं इसलिए अजीब बयान करता हूं ताकि उसके रावी के भी नाम और कौन सी कुतुब में है इसके भी नाम, ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। दूसरी हदीस सुनो इब्ने माजा फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु तआला ने फरमाया कि अली मुझसे है मैं अली से हूं, अली मुझसे है मैं अली से हूं। ये इब्ने माजा। अब तीसरी रिवायत सुनो तो उस शरीफ पढ़िए अल्लाह हुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अली वसहाबी व बारिक व सलाम व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए के मौलाए कुल मौला अली दुनिया में आए आप मकसद होते थे, एक जल्दी देना चाहता हूं। आज फातिमा मौला अली की मां का नाम भी फातिमा है, अली आजम की बीवी का नाम भी फातिमा है, मौला हुसैन की मां का नाम भी फातिमा है, गौसे आजम की मां का नाम भी फातिमा है। सुभान अल्लाह। फातिमा माने बख्शिश कराने वाली, जिसके दिल में फातिमा की मोहब्बत है अल्लाह को रख देगा इंशाअल्लाह। हां, इसके दिल में फातिमा की तो मोहब्बत है, फातिमा का ही नाम है। अब यहाँ मौला अली मुश्किल कुशा हृदय करार अपनी मां के पेट में है बच्चे बाहर, और अगर मुस्तफा क्या करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए के हजरत फातिमा मौला अली की मां जो मौला अली पेट में थे, तो जब भी रसूल का आते तो हजरत फातिमा खड़ी हो जाया करते। क्या वो सुभान अल्लाह। अगर में मौला अली मुश्किल कुशा खड़े हो जाते तो उनकी मां खड़ी हो जाया करती थी, पेट कहते लेकिन मुस्तफा का अदब कर रहे, तारी मुस्तफा के लिए मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल को सफल हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए के एक और रिवायत सुनो ताकि ईमान ताजा हो जाए। मौला अली मुश्किल को सा कहता हुजूर, उन्होंने ये देखा कि मेरी बीवी तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चची होती है, मैं इनका चचा होता हूं,
लेकिन ये अदब के साथ क्यों खड़े हो? तो देवी को कहा कि मुस्तफा आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि, तो तुम खड़े क्यों हो जाती हो? कहा कि बच्चा अगर मुझे बैठने नहीं देता खड़े होना, तो कहा हो ही नहीं सकता। क्या हो ही नहीं सकता? तो कहा होता है। कहा ठीक है, अगर फातिमा बैठी हुई है और रसूल आखिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके सोहरे मोहतरम ने जैसे ही बीबी हजरत फातिमा खड़ी होना चाहिए तो उन्होंने कंधों को वजन दे दिया। क्या वजन दे दिया? और आप जानते हैं कि औरत का वजन शोर का वजन ज्यादा होता है, शोर का वजन इतना वजन दिया लेकिन कसरत वजह से फातिमा फिर भी खड़ी हो गई। ये ताकत मौला अली की थी, मुश्किल गुजरा की ताकत है तेरे कहा की ताकत। लेकिन जब काबा शरीफ का तवाफ कर फातिमा की तरफ मेरी दूसरी माँ है, कहो सुभान अल्लाह, आमिर के बाद मेरी दूसरी माँ है जो आका के लिए रात को खाना रखा करती थी, वो हजरत फातिमा की तरफ रेती मोहब्बत रखी। अब मौला अली मुश्किल कुशा के लिए काबा शरीफ जो दीवार गिरी, आवाज आई फातिमा अंदर आ जाओ, काबा शरीफ के अंदर से फातिमा मौला अली कहता हुए, कहो सुभान अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा दुनिया में तशरीफ लाए और ये कुरैश वाले खुशी मना रहे, खुशी मना रहे और बच्चा हुआ इतना नूरानी चेहरे वाला। एक बात अफसोस की हुई कि बच्चा आप नहीं बोलता, ना माँ का चेहरा देखता है, ना बाप का चेहरा, ना चाचा का चेहरा देखता है, ना अब्बास का चेहरा किसी का नहीं देखता। ये बच्चा लगता है अभी नबीना है, ये बहुत खूबसूरत बहुत हसीन है, लेकिन अब हाल ये है एक रोज हो गया मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है तेरे कराती माँ का दूध भी नहीं किया, आप नहीं खोली तो हम क्या होगा? दूसरा रुजवा तीसरा रुजवा कसम खुदा की आका सल्लल्लाहु तआला सम जब अपनी चचीजान के पास आए तो चचीजान इतनी गमगीन की हो गमगीन की हो कहा के तुम्हारा भाई आए लेकिन ना बिना है आप नहीं खोलता, कहा अली को मुझे दे दो, कहो सुभान अल्लाह, अली आजम को हाथ दे लिया, अली आजम ने आंख खोल दी, कहो मुझे दे सुभान अल्लाह, काबा में पैदा हुए दुनिया में तो मुस्तफा का दीदार कर लिया, दीदार मुस्तफा को आके तरस रही है, कहो सुभान अल्लाह। यही मोहब्बत है, काम आएगी मोहब्बत है, हसरत के बेटा मुस्तफा की मोहब्बत है, दीदार मुस्तफा को आके तरस रही है, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। आका हम सबको अब्दुल भाई को हुसैन भाई को अफसर भाई को अब्दुल भाई को बाबू अल्लाह जितने आए सब हमारे मौत से पहले दिखा देना, वो मदीना शरीफ है और आका का दीदार किया मौला अली मुश्किल कुशा ने। अब मौला अली मुश्किल कुशा ने मौला अली को सीने से लगाया, अपने गीदा हो गए गीदा, पानी नहीं पिया, माँ का दूध नहीं मुस्तफा और दूध पिला रहे, अपने हाथों से खाना पिला रहे, अपने हाथों से कपड़े पहना रहे, ये मौला अली मुश्किल कुशा की खिदमत मेरे मुस्तफा कर रहे हैं। लेकिन भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत कहा है तो
कोई साथ नहीं दिया, 8 या 10 साल की उम्र थी मौला ने तो ये तो अपने अब्बा के पास गए और कहा था हुजूर मैं चाहता हूं रसूल पाक ने जो कहा मैं उनका कलमा पढ़ लूं, तो कहा आप जाओ आप जाओ ठीक है जाओ। तो मौला अली पहले बच्चे में थे तो मेरे आका अहमद को कलमा पढ़ा ला रहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले बच्चों में कलमा पढ़ा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बार बच्चों ने नमाज पढ़ी है पीछे मियां बीवी के झगड़े के कभी कभी तलाक हो जाता है कि तलाक हो जाता है होता है तो मौला अली मुश्किल गुस्सा हजरत कर रहा अरे फातिमा के तलाक हो गए तो मौला अली मुश्किल गुस्सा बस्ती के अंदर गए लेट गए लेट गए आका कर ले जाओ काला सब अरे फातिमा के पास गए अपनी फातिमा का ही ना बेटी का बाप खड़ा हो गया करो सुभान अल्लाह। हाँ लड़का भी अबू कुरान के बेटी का बाप खड़ा हो गया करो सुभान अल्लाह। ये तारीख है कौन पा में है हदीस रावी कि आका को भी लड़का दिया है आका ने लड़का दिया। अब मौला अली मुश्किल गुस्सा की तकदीर देखो कि पीछे धूल थी मिट्टी आका अपने हाथों मुबारक से साफ कर रहे करो सुभान इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मौला अली मुश्किल गुस्सा की फजीलत इससे बढ़कर क्या हो सकती है। अरे इतना ही नहीं मौला अली मुश्किल गुस्सा हजरत करार की और बात बयान करो दरुस शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला कुरान सारे उलम कुरान में है और कुरान का सारा उलम सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का सारा उलम बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह का सारा उलम बिस्मिल्लाह की बे में है और बे में है मुक्ता कहो सुभान अल्लाह। अली फरमाते सुनो इसलिए के कुरान की आयत 6,667 आयत नाजिल हुई लेकिन जो भी कुरान की आयत कब नाजिल हुई किसके नाजिल हुई क्यों हो रही तरह हुई कहां हुई कौन सी जगह पे हुई मुझे मालूम है कहो सुभान अली से पूछो कि कौन सी आयत को जगह पर इसलिए आपने फरमाया था अली कुरान के साथ में है कुरान अली हजरत के साथ में अली और कुरान होते को सर मेरे साथ साथ में आए देखो बेहोने को सर के होगा और अली और रहे अली और कुरान एक साथ में आएंगे। ये मौला अली मुश्किल गुस्सा के लिए रसूल ने पाक में फरमाया लेकिन अंसार के को मौला अली मुश्किल गुस्सा का मौला अली कुफा में रहे अली आज कुफा में हो मैंने मेरे कुरान देखा कसम खुदा की बहुत वसीम है लेकिन मेरे कुरान में एक वाक्य हुआ अचानक मेरे कुरान में तूफान आया तूफान और तूफान आया तो मौला अली मुश्किल गुस्सा की बारगाह में सब लोग आए और कहा मौला अली आप मुश्किल गुस्सा है आप हिजर करार है आप क्या मता फरमाइए कहा क्या हुआ कहा मेरे कुरान में तूफान आया और वो पानी के अंदर आ गया हमारे पिछले साल आया था सोसाइटी में क्या हुआ है पूरा पर मजे ले तू पे में देख के गया था अल्लाह को अल्लाह करम करे
मदद फरमाए अल्लाह, इसकी बलाओं से दूर करे, मुसीबत दूर करे। आदमी को चारों तरफ पानी पानी मकान दूर करे, पैदा होने का मुसीबत बनी है। मैंने अपनी मां को चारों तरफ देखा, लेकिन दरियत ना की बात नहीं, मेरे खुदा की बात कर रहा हूं, मेरे खुदा मैं तूफान आया। मौला अली मुश्किल कुशा की बात है, सब लोग आए, मौला अली आप मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशाई कर दीजिए। मौला अली ने कहा क्या हुआ? कहा देखो मेरे खुदा से तूफान आया है। कहा रुको, मौला अली उसे पाक में गए और जब रसूल पाक का पेट जाए, कहा सुभान अल्लाह, जगत के मालिक, भोगे कोष्ट के मालिक, तमाम नबियों के इमाम था, जुबा मुबारक पहन के आए, अमाम शरीफ पहना, अभी एक आका लिया और कहा चलो हम जा रहे थे इमाम हुसैन ताकाले करबला जगत की जमात के सरदार आका हुसैन मौला सबाहुल, मैं भी आना चाहता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, करो बेटे तुम भी करो। इतने में इमाम हसन ने देखा, इमाम हसन ने कहा अबा हुजूर मैं भी आना चाहता हूँ। कहो सुभान अल्लाह, इमाम हसन एक रेखा होते और मौला अली क्या है जो आप आगे देर कुरान के तूफान है। मौला अली मुश्किल कुशा ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद दो रकात नमाज पढ़ी। अरे नमाज कैसी पढ़ते सुनो, हम भी पढ़ते तुम भी पढ़ते हो, हर सामी ने पढ़ी, सामी ने पढ़ी और वो खाजा पढ़ते हैं, कलंदर पढ़ते हैं, कसम खुदा की मेरे अली ने नमाज पढ़ी, उनकी नमाज की टेंशन है। अली आजम ने पूछा गया, ए अली आजम मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अली ने कहा पूछो पूछो कौन सा सवाल, कोई नमाज का मसला नहीं पूछा, रोजे का मसला नहीं पूछा, हज का मसला नहीं पूछा, कुरान की कोई आज नहीं पूछा, ना आसमानी कायदा का कोई सवाल पूछा, ना जिब्रील का कोई सवाल पूछा, ना मिकाएल का सवाल पूछा, ना इब्राहिम का सवाल पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा। तो अली मैं चाहता हूँ एक सवाल तो पूछ लो, पूछना चाहता है अली तुम नमाज तो पढ़ो, क्या कभी खुदा का गिरा भी क्या है? दो दो रकात पढ़ी, सलाम फेरा, रकात उठा लो, कितना वाली काम करो, कहो सुभान अल्लाह। इतिहास देखो आपकी दुकान आए तो भागता है, ये मौला अली की जात है, मुश्किल कुशा की जात है, काम आओ कितना वाली काम करो, था एक गज करो, इशारा की आगे से ए मेरे खुदा एक गज पानी कम हो गया, इशारा के पानी कम हो गया। ये करामत तेरे मौला अली फिर कहा और करना चाहते हो पानी काम आदि आदर कर दीजिए, भी इशारा कितना का एक गज कम हो जाए, इशारा किया एक गज कम हो जाए तो पानी कम हो गए। दूसरी करावत भी मोरा ने पूछा बताओ जब और कम करो, आदि आदर एक गज और कम करो, इशारा किया है पानी एक गज और कम हो जाए, कम हो गया एक गज पानी और कम हो गया। करामत मौला अली मुश्किल कुशा की एक वही जोर से करना होगा। सलाम और सलाम नाली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था मौला अली मुश्किल कुशा, हृदय करार हृदय करार। लेकिन एक बात आई, एक भक्ति शख्स ने चोरी कर ली, अब इस्लाम में क्या है शरीयत के हुक्म में के जो भी चोरी जिस हाथ से करेगा उसका हाथ काट दिया जाए। आज भी मक्का शरीफ में बहुत से लोगों की मुलाकात की जिस चीज में हाथ कटे हुए हो, हाथ कटे हो तो हाथ के साथ जो चोरी करे वो हाथ काटना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ी अमीर घराने की औरत थी, बहुत पेशा था, लेकिन एक जगह पकड़ी गई तो वहां तो चार का पेशा दे दे, यहां का कानून हाथ ही काटना पड़े, तो अमीर औरत इतनी जाती जाती बीवी थी, लेकिन सोना चोरी कर लिया आप जानते हैं मेरे में आ जाता है। आप अगर मक्का शरीफ के लोग जवाब करो तो मदीना शरीफ वाले वहां देख लिया करें, लाल बोल रहा हूं, तो ये औरत को पता नहीं ले लिया चोरी कर ली, फिर पता चला तो
तो होते हैं आपसे सुर में बढ़ जाओ मेरी चेला का कर्म मेला बोलवा कर